भुसावा थाने में घर में अवैध रूप से घुसकर मारपीट के मामले में अनुसंधान अधिकारी की ओर से कोई कार्यवाही नहीं करने के कारण परिवार ही के पिता आमरण अनशन पर बैठ गए। भुसावर कस्बा निवासी सोमदत्त पांडे ने बताया कि उनकी ओर से भुसावर थाने में गत कई महीनों पहले कस्बा निवासी कई जनों के खिलाफ घर में अवैध रूप से घुसकर मारपीट करने का आरोप लगाते हुए विभिन्न धाराओं में अभियोग दर्ज कराया गया था। भुसावर पुलिस की ओर से 90 दिन गुजर जाने के बाद दर्ज मामले में भुसावर पुलिस की ओर से नियुक्त अनुसंधान अधिकारी की ओर से मारपीट के आरोपियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जाने तथा चिकित्सक ओर से मेडिकल रिपोर्ट में राजनीतिक दबाव के कारण गड़बड़ झाला कराने का आरोप लगाते हुए परिवादी के पिता राधेश्याम पांडे आज भुसावर थाने की निष्क्रियता की कार्यशैली को लेकर आमरण अनशन पर मुंह पर काली पट्टी बांधकर पुलिस के अधिकारियों को सूचना देते हुए बैठे गए हैं। कस्बा में पुलिस के खिलाफ इधर भुसावर के पुलिस उपाध्यक्ष निहाल सिंह शेखावत ने बताया कि जिस व्यक्ति की ओर से मारपीट का मामला दर्ज कराया उसको समझाइश करते हुए अनुसंधान अधिकारी को बदल दिया है और परिवादी की ओर से दर्ज मारपीट की घटना के जांच भुसावर थाना अधिकारी को सौंप दी गई है। अनशनकारी ने समझाया जा रहा है। आप जो प्रदर्शन आप दिखा रहे हो ये किस मुद्दे के लेके दिखा रहे हैं? ये बोले ना ये बोलिए तो हुए मैं बता दूं। ये जो प्रदर्शन चल रहा है प्रदर्शन काली पट्टी बांध कर के अच्छा हाँ ये अनशन पे बैठे हुए हैं तो उसके बारे में क्या कहना आपके और ये किस मुद्दे को लेके ये अनशन पे बैठे हुए हैं? मैंने एक FIR 353/2021 पुलिस थाना भुसावर में दर्ज कराई थी जिसमें 35-40 आदमियों ने सुबह मेरे घर पर हमला किया और धारदार हथियारों से उनको उनके खिलाफ मैंने कई वो परवाद दिए। उन परवादों पर भी पुलिस ने आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। राजनीतिक दबाव के कारण डॉक्टर ने अपनी रिपोर्ट गलत कर दी। पुलिस ने द्वारा मुलजमानों को पूरी सह दी जा रही है, मारने पर उतार हुए हैं, उनके द्वारा झूठे मुकदमे दर्ज किए गए इनके दर्ज करवाए गए हैं और हमारे उस पर जो सत्यता का मुकदमा है आज तक कार्रवाई नहीं की गई है, जिसमें पुलिस के खिलाफ हम आमरण अनशन मेरे पिताजी श्री राधेश्याम पांडे जी कर रहे हैं। और कोई मुद्दा आपका इसके अलावा? यही मुद्दा है कि मेरे जो मेरे घर पर जो मारने के लिए हथियारों सहित लैस होकर के जो CCTV कैमराओं में जो फुटेज कैद हैं उन पर उनको आई अनुसंधान अधिकारी को बताने के बाद भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। प्रशासन की तरफ से 90 दिन के अंदर अंदर चालान हो जाता है तो अब तक चालान 90 दिन से ऊपर आपके समय निकल चुका है कि नहीं निकला? निकल चुका। 23/7/2021 को मुकदमा दर्ज कराया था जिसमें आज तक कोई कार्रवाई ना होने पर आज 90 दिन से ऊपर होने पर मैंने ये मेरे पिताजी ने आमरण अनशन से का अनुसंधान हेड कॉन्स्टेबल संतोष कुमार द्वारा किया जा रहा था। उस अनुसंधान में सोमदत्त वगैरह ने सहयोग नहीं किया। फिर इन्होंने धरने पर बैठने का प्रार्थना पत्र दिया जिस पर अनुसंधान हेड कॉन्स्टेबल से लेकर के SP साहब ने और थाना अधिकारी को अनुसंधान करने के लिए किया गया है और 3 दिन से इनको समझाइश की जा रही है लेकिन इनका धरने पर बैठने का मानस था, बैठ के अब इनसे वार्ता करेंगे।